पैसे किसके हैं और बैरून मुल्क कैसे गए। वजीर आजम आर्टिकल 62 तरेसर पर पूरा नहीं उतरते। पीपल्स पार्टी वजीर आजम और उनके 5 रुपका की नाहली के लिए आज रेफरेंस दायर करेगी। लतीफ खोसा कहते हैं रेफरेंस के साथ तमाम सबूत भी इलेक्शन कमीशन को देंगे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 10 जुलाई को वतन वापस आएंगे। वज़ीर आज़म तेजी से सेहतियाब हो रहे हैं। ईद उल फितर के बाद वज़ीर आज़म का एक और तिब्बी मुआयना होगा। इमरान खान का कहना है कि वज़ीर आज़म कमजोर हो गए, लगता है वापस नहीं आएंगे। नून लीग में इंतशार बढ़ रहा है। कि नवाज शरीफ का फिजिकल हालात क्या हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि पॉलिटिकल हालात उनके बहुत बुरे हैं। अब अगर नवाज शरीफ वापस नहीं आ सकते और अगर वापस भी आएंगे तो वो पैनामा में और फंसते जाएंगे। स्टेज आनी है कि इनकी अपनी पार्टी के अंदर से लोगों ने कहना है कि अब मेरे बहुत हो गया। मानसून हवाएं पाकिस्तान में दाखिल। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सिंदर बलोचिस्तान में भी बारिश आज होगी। बाकी शहरों में भी आज काली घटाएं सूरत से दो दो हाथ करेंगी। सैलाब से निपटने के लिए हिकमत अमली भी तैयार। इस बार भी ईद पर लोड शेडिंग नहीं होगी। वजारत पानी और बिजली ने एक और वादा कर लिया। ईद के 3 दिन मुल्क भर में कहीं भी लोड शेडिंग नहीं होगी। बिजली की पैदावारी कंपनीज को इजाफी ईंधन जमा करने की हिदायत। उधर कोयटा में 132 केवी ग्रिड स्टेशन में फनी खराबी। मुख्तलिफ इलाकों में तवील ब्रेकडाउन। यौम शहादत हजरत अली करमुल्ला वजह के मौके पर मुल्क भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। मुख्तलिफ शहरों से मातमी जुलूस बरामद। कराची में एम ए जना रोड, ट्रेडी स्ट्रीट और सदर। लाहौर में अंदरूनी शहर को जाने वाले रास्ते मुकम्मल बंद। मुतबादल रूट न मिलने पर लोगों को मुश्किलात का सामना। तहकीकात के दौरान मेरे शौहर कस्टम इंस्पेक्टर एजाज चौधरी का कत्ल हुआ। अयान अली को बैरून मुल्क जाने की इजाजत ना दी जाए। सुप्रीम कोर्ट में बेवा साइमा एजाज ने फरीक बनने की दरख्वास्त दायर कर दी। हामिद सईद काजमी की सजा के खिलाफ अपील पर समाप्त। वकील लतीफ खोसा ने कहा है कि हामिद सईद को डीजी हज की तकरीरी का अख्तियार ही नहीं था। हामिद सईद काजमी मजहबी स्कॉलर है, गलत फर्द जुर्म आयद की गई। मना में बदनजरी पर सऊदी हुकूमत ने गलती का एतराफ किया और मुआवजे की रकम हुजाज को वापस की। बरतानिया की यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के आफ्टर शॉक्स जारी। एशियाई मंडियों में पाउंड की कदर में 2% से ज्यादा की कमी। डॉलर के मुकाबले में युआन की कदर भी 5.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। अमेरिका कप में अर्जेंटीना की शिकस्त। मेसी का इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट का ऐलान। कहते हैं अब इंटरनेशनल मुकाबलों में हिस्सा नहीं लूंगा। फाइनल में चिली ने अर्जेंटीना को पेनल्टी किक्स पर 2-4 से शिकस्त दी थी। भारतीय शहर लखनऊ में पुलिस अहलकारों ने हाईवे को अखाड़ा बना लिया। भारतीय पुलिस अहलकार कमर्शियल गाड़ियों से रिश्वत इकट्ठे वसूल करते, मगर उस वक्त फूट पड़ गई जब रिश्वत की तकसीम करने का झगड़ा हुआ। चारों अहलकार एक दूसरे पर टूट पड़े और एक दूसरे की खूब तवाजो की। My mom, my dad, I have a family. We will never forget you, Dory. What if we forget you? हॉलीवुड एनिमेटेड फिल्म फाइंडिंग डोरी का अमरीकी बॉक्स ऑफिस पर राज बरकरार। रवा हफ्ते 7 करोड़ 32 लाख डॉलर कमाकर सबको पछाड़ दिया।